नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय सूर्यवंशी और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ की जानकारी पर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि ये नया साल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए और आपको जिंदगी भर स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर फिशर किस वजह से होता है, फिशर होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए दोस्तों, फिशर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और अगर आपको कब्जियत होती है तो आपको फिशर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिशर होने के बाद अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उन्हें फिशर दोबारा से हो जाता है। और दोबारा क्यों होता है? क्योंकि उनका डाइट अगर अच्छा नहीं रहता है, उन्हें अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो फिर उन्हें फिशर दोबारा होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सबसे पहले अपना पेट को ठीक रखना है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्जियत से बचना है, तो आपको फिशर, पाइल्स, फिस्टुला जैसी बीमारियां नहीं होंगी, यानी कि जितने भी गूदा रोगों से संबंधित बीमारियाँ हैं वो आपको नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको अपना पेट ठीक रखना है, और अगर आपको अपना पेट ठीक रखना है तो आपको फाइबर रिच फूड खाना पड़ेगा। फाइबर रिच फूड यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। आपको जूस पीना पड़ेगा, आपको भरपूर पानी पीना पड़ेगा। सो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे और अगर आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाएंगे, अगर आप दिन में 3 लीटर पानी पियेंगे तो आपका स्टूल सॉफ्ट बनेगा, और अगर आपका स्टूल सॉफ्ट बनेगा तो फिर आपको फिशर नहीं होगा। होता क्या है कि स्टूल हार्ड बनने की वजह से जब हम लेट्रिन करने जाते हैं तो उस वक्त जब हमारा स्टूल हार्ड बनता है तो हमें कभी कभार जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाने की वजह से जो स्टूल है वो प्रेशर क्रिएट करता है हमारे एनल एरिया के साइड वॉल्स पर। बाहर निकलने के लिए वो स्टूल प्रेशर क्रिएट करता है हमारे एनल एरिया के साइड वॉल्स पर, जिसकी वजह से जो हमारे एनल एरिया के साइड वॉल्स में जो स्किन है वो फट जाती है, और एक बार अगर वो स्किन फट गई तो फिर उसे हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की स्किन काफ़ी नाजुक होती है। जैसा कि आप हमारे हाथ की स्किन देख सकते हैं, इस हाथ की स्किन पर अगर कोई कट लग जाता है तो इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं कोई भी क्रीम लगाकर, क्योंकि ये भारी जख्म है, इसलिए भारी जख्म को हम कहीं पर भी कैसे भी ठीक कर सकते हैं क्रीम लगाकर। लेकिन जो एनल एरिया के अंदर जो भी घाव होता है वो एक इंटरनल जख्म है, तो अंदरूनी जख्म को ज़रा ठीक करना मुश्किल होता है और थोड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी हील नहीं हो पाता। सो जो हमारे एनल एरिया के अंदर की जो स्किन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से स्टूल पास करते वक्त हमें काफ़ी दर्द होता है। तो दर्द इतना होता है कि कभी कभार पेशेंट को लगता है कि स्टूल पास करना ही नहीं चाहिए। कभी कभार पेशेंट लेट्रिन करने से भी बहुत डरता है उस दर्द की वजह से, इसलिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियों में। सो अगर आपको इस दर्द से बचना है, अगर आपको इस तकलीफ़ से दूर रहना है तो फिर आपको अपना डाइट सुधारना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सो कुछ कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो 7-8 घंटे लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ज़रा भी हलचल नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारे पेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं होता, या फिर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है वो खाना अच्छे से पच नहीं पाता है, और उसका स्टूल जो है वो सॉफ्ट नहीं बन पाता है। इसलिए आप ज़्यादा चले फिरें, एक्सरसाइज भरपूर करें और अच्छा खाना खाएं, तो आपका स्टूल सॉफ्ट बनेगा और फिर आपको फिशर, पाइल्स, फिस्टुला जैसी बीमारियां नहीं होंगी। ज़्यादा मसाले से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, तली बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आप बिल्कुल भी ना खाएं, जो मैंने आपको बताया है आप सिर्फ उसे ही खाएं। देखिए दोस्तों, ये चैनल मैंने इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं अपनी लाइफ में, जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स को मैंने दूर करा है और मैंने कैसे दूर करा है, वो मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूँ। और मैं आपको जो भी मेरे साथ हुआ है वो प्रैक्टिकली
जो मैंने किया है वही मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करता हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर कर सके। ठीक है, पाइल्स फिशर फिस्टुला एक बहुत ही तकलीफदायक हेल्थ प्रॉब्लम है और मैं इसे अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस हेल्थ प्रॉब्लम को आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल करके, घरेलू उपचारों का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके ही दूर कर सकें, जिससे कि हमें बाहर की दवाइयाँ खानी नहीं पड़े। ठीक है, बाहर की दवाइयाँ खाने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम किसी हेल्थ प्रॉब्लम का निदान अगर हम आयुर्वेदिक चीज़ों से या फिर जड़ी बूटियों से करते हैं तो फिर हम जिंदगी भर स्वस्थ भी रहते हैं और हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी जल्दी से ठीक हो पाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी वीडियोस आगे भी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।